इंदौर जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रखा है। इंदौर सहित महू में लॉकडाउन का पालन कराया गया। शहर में चौराहे पर पुलिस जवान तैनात रहे। शहर में इक्का दुक्का वाहन घूमते दिखाई दिए। इंदौर की अधिकतर सड़कें लॉकडाउन के कारण सूनी सूनी रही, तो वहीं कहीं इक्का दुक्का लोग भी बाहर घूमते दिखाई दिए। होली होने से कुछ लोग जरूरत के सामान की तलाश में भी बाहर निकले और कुछ लोग शहर की खाली सड़कों का मजा लेने के लिए भी घूमते दिखाई दिए। रविवार को महू तहसील में भी पूरी तरह लॉकडाउन रहा। शहर के हर चौराहे पर पुलिस जवान मौजूद थे, जो बेमतलब घर से निकलने वाले लोगों को समझाइश दे रहे थे कि घर से बाहर ना निकले। उसी के साथ ही डीएसपी विनोद शर्मा और कोतवाली टीआई दिलीप पुरी अपने बल के साथ गली मोहल्ले में घूमते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते रहे। होली और शबे बारात को देखते हुए प्रशासन ने केवल 20 लोगों को ही परमिशन दी है, जिसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। देखिए, आपको बता दूं, अगर बात करें संडे लॉकडाउन की, तो पूरे तहसील में लॉकडाउन लग चुका है। इस वक्त हम मौजूद है धानमंडी चौकी पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी रोड जो है पूरी तरीके से सुनी नजर आ रही है। उसी के साथ जितने भी लोग हैं अपने घरों के अंदर है, जो लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने जब पूरे शहर का दौरा करा तो तमाम चौराहों पर पुलिस जवान मौजूद थे। पुलिस लोगों से सख्ती से पूछ भी रही थी कि आप बेमतलब घर से बाहर क्यों निकले। उसके साथ आपको बता दूँ, आवश्यक सेवाएं की जितनी भी दुकानें सब चालू है, दवाई से लेकर डेयरी, उसके बाद मेडिकल भी खुले नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डीएसपी विनोद शर्मा जी, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से शहर का उन्होंने जायजा लिया और क्या व्यवस्था करी थी। सर, किस तरीके से अपना शहर का जायजा लिया और कहाँ का पुलिस बल तैनात है? हमारे यहाँ जो मऊ अनुभाग है उसमें चार थाने हैं, मऊ है, मानपुर है, बड़गोंदा है और किशनगंज है। तो चारों थाने में हमने जो है कल ही रात से ही सब पॉइंट लगा दिए थे और मऊ में करीब 16 पॉइंट लगे हुए हैं। सब जगह जो है पुलिस फोर्स तैनात है और कोविड के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके हिसाब से हम जो है पूरा पालन करवा रहे हैं। और रहा सवाल रात को होलिका दहन का और सवेरे रात का, तो लेट नाइट जो है गाइडलाइन ये जारी हुई है, शासन के आदेश हुए हैं कि 20 लोगों को परमिशन दी जाएगी, वो भी छोटी जो गलियों में और कॉलोनी के अंदर की होली है वो, और जो संबंधित मोहल्ले का कब्रिस्तान वगैरह है वहाँ पे सवेरे रात के लिए। तो सारा पालन जो है नियमानुसार करवा रहे हैं। सर, होली के साथ अगर बात करें शबे रात की, तो शबे रात में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो वहाँ पे अपनी तरफ से क्या व्यवस्था की? वहाँ पे हमारा फोर्स भी रहेगा और उनकी कमेटी वालों को भी बता दिया है, तो एट ए टाइम वहाँ पे केवल 20 लोग अंदर जाएंगे, 20 के अलावा कोई नहीं जाएगा। तो देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस ने होली का दहन के साथ ही शबे बारात की भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। 20 लोगों से ज़्यादा लोग होली नहीं जलाएंगे। उसी के साथ बात कर ले शबे बारात की, तो मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शबे बारात पे कब्रिस्तान पहुँचते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते और कोरोना काल के चलते केवल मात्र 20 लोग ही जो है शमशान कब्रिस्तान जा पाएंगे और वहाँ पर अपनी इबादत करते नजर आएंगे। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब रेड टीवी की टीम ने पूरे शहर का दौरा करा, तो तमाम जितने भी चौक चौराहे थे वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जो लोगों को समझाइश दे रहे थे कि आप बेमतलब घर से बाहर ना निकले। कैमरा पर्सन अंकित धनुलिया के साथ अंजित मोनू बाथम, रेड टीवी महू।